वेलकम टू गाइस, माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ डल्लब गाड़ी भरने, बुग्गी गाड़ी भरने। इसमें रेता भरने जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ। ये मेरा खड़ा दोस्त संजू नाम है इसका। आज इसके साथ जा रहे हैं बैलगाड़ी भरने, और इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी हार्ड है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी आगे जा रहे हैं, अभी डल्लब गाड़ी लेके जा रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ कितनी मेहनत से भरी जाती है, कैसे लाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है। दोस्तों, बैलगाड़ी ले जा रहे हैं धीरे धीरे, रास्ता भी थोड़ा गंदा ही है, और हमारे बैल भी थोड़े कमज़ोर ही हैं। एक थोड़ा ठीक है, एक थोड़ा हल्का सा कमज़ोर है। अभी काफ़ी दूर वो आप देख रहे हैं जहाँ कुत्ता जा रहा है, उससे काफ़ी आगे ले जाना है। रास्ता बहुत लंबा है, और बाकी अभी धीरे धीरे हमारे बैल जा रहे हैं। थोड़ा ये भी देखो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, एक थोड़ा हल्का सा कमज़ोर है ना, इसीलिए ज़्यादा नहीं, 15-20 क्विंटल तो ले ही जाएंगे हम। अब धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, रास्ता काफ़ी लंबा है, पानी में भर नहीं सकते, पानी दलदल बहुत है नदी में इस टाइम। दोस्तों, अब देख रहे हो डल्लब आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। थोड़े बैल हैं, कटर गाड़ी होती तो थोड़ी तेज आते हैं, थोड़े बैल कमज़ोर भी हैं। देखो धीरे धीरे गाड़ी आ रही है, और पीछे गांव है हमारा, गांव मुकनपुर, और ये बराबर में नदी चल रही है। धीरे धीरे बैलगाड़ी जा रही है। दोस्तों, इधर पानी की आवाज़ देखो कितनी, पानी की आवाज़ कितनी आ रही है। काफ़ी स्पीड से पानी चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इस तरफ मैं भी नहीं आया। तो आप देख सकते हो, ये हमारे दो भाई लगे हुए कितनी मेहनत से डल्लब गाड़ी भर रहे हैं, और आप देख सकते हो कितनी मेहनत लग रही है। इसे भी आप हल्का काम मत समझना, ये काफ़ी मेहनत का काम है। ये परात में भरना, परात को उठाना, और फिर डल्लब में डालना। कटरे इन्होंने आगे छोड़ रखे हैं वो देखो, और लगे हुए हैं धीरे धीरे बेचारे। अभी इन्हें 1-1.5 घंटा लग जाएगा। चलो आपको आगे और दिखाते हैं। दोस्तों, हम जिस जगह से डल्लब भरनी है वहाँ आ चुके हैं हम, और बस अब पीछे को लगा के यहाँ डल्लब भरी जाएगी। आपको दिखाते हैं कैसे भरते हैं, कितनी मेहनत लगती है। अब यहीं बैग लगाते हैं। दोस्तों, ये पीछे डल्लब लगा दिया, भरना चालू कर रहे हैं हम। दोस्तों, हमारी बैलगाड़ी भर चुकी है, अब थोड़ा सा हम आगे से भरेंगे, क्योंकि एक चढ़ाई है ना रास्ते में, थोड़ी काफ़ी बड़ी है, बैल कमज़ोर है। अब हम आगे चलते हैं, इसे लेके चलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।